हमारा चैप्टर आ जाता है चैप्टर 10 जो कि आपका आता है वेक्टर्स। देखो वेक्टर्स आपके लिए चैप्टर कोई नया नहीं है और इसमें कुछ नई भी चीज नहीं आती है, जो आप सिंपल अपना फिजिक्स में पढ़ के आते हो 11th और 12th में जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है ऑलमोस्ट आपका सब कुछ इसमें वही आता है। आपकी काफी प्रैक्टिस तो आपकी वहीं पर हो जाती है। देखो सबसे पहले समझेंगे फिर भी हम बेसिक से, मीन्स हर एक चीज को बिल्कुल डीप में, ताकि आपके एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन आए आप उसको क्या इजिली कर पाओ। देखो यहां पर आपका जो सबसे पहले वेक्टर होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी आपके नंबर कोई आपकी क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस आपकी डायरेक्शन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट अपना जो भी हमारा अल्फाबेटिकल नंबर है ए बी सी डी कुछ भी आपका नंबर है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं उसको, ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और पोजिशन वैक्टर क्या होता है, जैसे हमारा ए बी हो गया तो सिंपल आपका जैसे ए है या बी है या साथ में ए बी आपने लिख दिया तो उसके जो भी हमारे एक तरह से स्केलर कॉम्पोनेंट होते हैं उन सब का क्या कर दें, स्क्वायर करके हम क्या कर दे, रूट कर दे, तो वो हमारे पास क्या देता है, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू देता है। आगे बात करते हैं अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर की, तो सबसे पहले जो वेक्टर आता है वो जीरो वेक्टर आता है, मींस जिसका मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, जीरो होगा और उसकी एक तरह से डायरेक्शन क्या होगी, हमारी आर्टिबेट्री हमारी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। आगे बात करते हैं यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा, कोनिशियल वेक्टर मींस ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या होगा, सेम होगा। इक्वल वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है दो वेक्टर्स की वो आपस में बिल्कुल इक्वल हो उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर दो वेक्टर्स एक पैरेलल लाइंस के क्या हो, पैरेलल हो, मींस ये अगर पैरेलल लाइन हो गई तो उसके जो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है और मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है, बट वो एक सिंगल लाइन के क्या हो, जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे अगर उसके पैरेलल है एक पर्टिकुलर लाइन के तो उसको हम बोलेंगे सिंपल अपना कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मींस अगर वेक्टर को हम 3D स्पेस में देखें तो उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब अगर आपका ए वेक्टर है अगर उसका आपका क्या कर दो, बिल्कुल उसका अपोजिट वेक्टर बना दो, मींस सेम मैग्नीट्यूड का बट उसकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। ये आपके सिंपल से टाइप्स ऑफ वेक्टर आ जाते हैं। आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को एडिशन आप क्या करते हो, ट्रायंगल लॉ से एडिशन करते हो। मींस ट्रायंगल लॉ आपका कैसे इसमें यूज होता है, तो आपकी ट्रायंगल की जो तीन साइड होती है इसमें दो साइड्स आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि एक तरह से सेम डायरेक्शन में होती हैं और उसमें जो आपकी थर्ड साइड होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन वो आपको क्या देगी, उन दोनों वेक्टर्स का आपको क्या देगी, सम देगी। मींस ए बी प्लस का बी सी इज इक्वल टू ए सी हमारे इक्वल आएगा। और यहां पर ध्यान रखना एक चीज का, जहां पर भी आपके वेक्टर्स हैं वहां पर आपको क्या है, जो भी वेक्टर नंबर है अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिख रहे हो तो उसमें उसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये लाइन जरूर लगानी होगी। अगर आप ये लाइन नहीं लगाते हो तो वहां पर उसको वेक्टर नहीं माना जाएगा और वहां पर आपका क्या हो सकता है, क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं टीचर या फिर उसका मार्क्स जरूर काट लेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, तो स्केलर की सिंपल मल्टीप्लाई आपकी होती है, अगर आपको कोई वेक्टर है तो डायरेक्ट सिंपल जैसे आपका कोई भी वेक्टर है उसके 2 या 3 की आप सिंपल एक मैथमेटिकल नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस तरीके से आपका यूज होता है। बाकी सब कुछ मैंने यहां पर लिख रखा है, यहां पर सोल्व करके भी दिखा रखा है, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स की, तो वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो स्केलर कंपोनेंट और एक होता है हमारा वेक्टर कंपोनेंट। तो जैसे हमारा ए बी एक वेक्टर है एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के, तो उसमें जो एक्स वाई जेड हो गए मींस एक तरीके से जो कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, वो हमारे क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट होते हैं। और जो आई जे के जो हमारी डायरेक्शन बताते हैं कि ये किस फॉर्म में होगा, मींस आई जे के मींस एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में, जेड प्लेन में, तो वो हमारे हो गए वेक्टर्स कंपोनेंट। आगे हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल ले तो हमारे पास एक जो हमारे पास वेक्टर आता है वो ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के आता है और जो दूसरा वेक्टर है वो पी आई प्लस का क्यू जे प्लस का आर के आता है। तो अगर हमें इन दोनों को सम करना है तो जो उसका आई आई वाला कंपोनेंट है वो आपस में प्लस हो जाएगा, जे जे वाला कंपोनेंट और के वाला कंपोनेंट आपस में क्या होगा, कोई भी ऑपरेशन लगेगा मींस प्लस या माइनस वो आपस में क्या होंगे, सोल्व होंगे। और इक्वल वेक्टर ये दोनों कब होंगे, जब इनका जो ए होगा वो पी के मींस आई वाला आई के इक्वल होगा, जे वाला जे के इक्वल होगा और के वाला के इक्वल होगा, हमारा स्केलर कंपोनेंट सारे इक्वल होंगे तीनों के तीनों, तभी हमारे दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल माने जाएंगे। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला जैसे आप अपना क्लास 10 से जो आप फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो वही आपका फॉर्मूला लगता है। मींस आपकी एक लाइन थी ए बी, उसमें आपने बीच में कहीं पर उसको डिवाइड कर दिया सी, एम रेशो एन में आपने डिवाइड किया हुआ है, तो वहां से आप अपना सी जहां पर जो सी वैल्यू आएगी उसका सी वेक्टर फॉर्मूला सी की वेक्टर की फॉर्म निकाल सकते हो, तो एम बी प्लस का एम ए अपॉन एम प्लस का एन, ये आपका इंटरनली। और अगर आपको एक्सटर्नली आपने क्या किया हुआ है रेशियो में डिवाइड किया हुआ, तो एम बी माइनस का एन ए अपॉन एम माइनस का एन, ये आप सिंपल फॉर्मूला लगा के आप क्या निकाल सकते हो, वहां पर वैक्टर की फॉर्म निकाल सकते हो। और सिंपल आप ये डायरेक्ट भी यूज करते हो, अगर आपका रेशो 1:1 है मीन्स आपने क्या बिल्कुल मिड पॉइंट बीच में से आपने आपको वैक्टर की फॉर्म निकालनी है, तो सी किसके इक्वल आएगा, ए वैक्टर ए प्लस का वैक्टर बी बाई 2 के इक्वल हमारा आएगा। मीन्स वहां पर एम और एन क्या हो गए, 1:1 हमारे सिंपल ओके okay, ये हमारे सिंपल से पॉइंट आते हैं। आगे हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकलता है, अगर आपका वेक्टर है ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के हमारा वेक्टर आता है, तो जिसमें ए बी सी है उन सब इन तीनों का स्क्वायर करके अगर हम अंडर रूट कर दे तो वहां पर हमारी क्या आ जाएगी,
सिंपली जो आपका मैग्नीट्यूड है वेक्टर, उसका वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपके दो वेक्टर हैं जैसे ए और बी अलग अलग वेक्टर है, उसमें ए बी आपका क्या निकालना है, आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो सिंपल वहां पर क्या करेंगे, इसमें ए में से पी माइनस कर देंगे, बी में से क्यू माइनस कर देंगे और सी में से आर माइनस करके उन सबका स्क्वायर करके सम करके जो रूट निकालेंगे उसमें हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल ए बी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो इसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं वो मेरे हिसाब से आपको पता होगा, आपको हल्का सा आइडिया होगा क्योंकि आपने फिजिक्स में बहुत ज्यादा चीजें पढ़ रखी है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के इक्वल हमारा होता है। मींस अगर वेक्टर ए इनटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें करना है तो जो दोनों का मैग्नीट्यूड है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें वहां पर हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा का मतलब है जो ए और बी के जो दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा वैल्यू आती है। और यहाँ पर ध्यान रखना जो जो डॉट प्रोडक्ट होता है आई आई का, जे जे का, के के का, वो इक्वल होता है वन के इक्वल, बाकी सब की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्यों? क्योंकि अगर आई और जे की वैल्यू निकालेंगे तो वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और कोस 90 की वैल्यू हमारी जीरो होती है। तो बस ये हमारा आई आई, जे जे, के के ही वन के इक्वल होगा, बाकी सब हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है पॉइंट। चलो जी कुछ नोट पॉइंट की बात करते हैं। अगर जो हमारा ए डॉट बी है, मीन्स वैक्टर जो वैक्टर ए इंटू वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी है, अगर उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो एक्यूट होगी, और वो जीरो से कम है नेगेटिव में तो वो ऑब्ट्यूज होगी। और अगर ए डॉट बी किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है, तो उसका मतलब ए क्या है, बी के परपेंडिकुलर होता है। कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है यहाँ पर, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए डॉट बी के इक्वल हमारा होगा। इस तरीके से यहाँ पर सारी काफी वैल्यूज लिखी हुई है, ये आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसमें मतलब बेसिकली सिंपल सिंपल से आपकी वैल्यूज आती है, मीन्स ये आपकी वो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो कि आप क्वेश्चन में डायरेक्ट आप यूज करोगे। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, मीन्स ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है। और ए डॉट बी अगर जीरो के इक्वल है तो उसका मतलब वहां पर दो चीजें डिफाइन है कि या तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री के होगा या फिर ए और बी में से कोई एक जीरो होगा या दोनों भी जीरो हो सकते हैं, मींस उनका मैग्नीट्यूड। आगे बात करते हैं स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल जैसे पी ए डॉट क्यू भी आपका आता है, तो पी क्यू अगर आपके क्या स्केलर्स हैं तो आप क्या स्केलर्स की मल्टीप्लाई कर दोगे और वहां पर ए डॉट बी आपका क्या हो जाएगा, अलग से हो जाएगा। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। और जो ए डॉट ए होगा वो हमेशा ए स्क्वायर के इक्वल होगा, मीन्स क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल है तो वहां पर कॉस जीरो की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, वन ही हो जाएगी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड मीन्स ए इंटू ए आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसके इक्वल होगा, जैसे ए प्लस का बी तो ये आपका हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस का सी तो ये आपका हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ए डॉट बी प्लस का ए डॉट सी आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट। चलो जी ये आपके सारे पॉइंट आते हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो जहां से एग्जामिनेशन में फिजिक्स में तो एक पक्का क्वेश्चन आता है और साथ साथ मैथ्स में भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो उससे बहुत ज्यादा बन सकते हैं, जिसमें आता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मीन्स आपका बी वेक्टर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, उसमें ए आपने क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया, तो जो ए की शैडो पड़ेगी बी पर वो आपकी कितनी बढ़ती है, मींस प्रोजेक्शन कितना होता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर आप प्रोजेक्शन कर रहे हो बी पर तो आपका ये फॉर्मूला होगा, और अगर आप ना ए पर प्रोजेक्शन कर रहे हो तो ए डॉट बी अपॉन यहाँ पर मैग्नीट्यूड रख दोगे ए का। ऐसी यहाँ पर देखते हैं वैक्टर प्रोजेक्शन। वैक्टर प्रोजेक्शन में आपका क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे बी कैप से, मीन्स आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर बी एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन। ये आपका आ जाता है प्रोजेक्शन से रिलेटेड। आगे बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि हमारा सेकंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन आती है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, और ए क्रॉस बी हमेशा किसके इक्वल होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप के इक्वल हमारा होगा। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ए क्रॉस बी वही सिंपल ए बी साइन थीटा एन कैप हम सॉल्व कर ले, या फिर हम इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ए क्रॉस बी हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाली रो में क्या आ जाएगा, आई जे के आ जाएगा, और सेकंड रो में हमारे ए के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ए वन ए टू ए थ्री, और थर्ड रो में आ जाएंगे बी के कंपोनेंट, जो कि बी वन बी टू बी थ्री हमारे वैल्यू आती है। इनका डिटर्मिनेंट निकाल के हम क्या निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें भी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। स्केलर मल्टीपल इसमें लग सकता है, जैसे एम ए क्रॉस बी है तो एम ए क्रॉस एम बी हमारा ही हो सकता है, और एम ए
एम ए क्रॉस एन बी हमारा किसके को लगे एम एन मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट जो आपके स्केलर हो गए उनको आप अलग अलग लिख सकते हो। एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव भी आपका यहाँ क्या होता है फुलफिल होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव आपका किस तरीके से लगता है ये आपकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो। इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो ये जो आपके नोट्स हैं इन सबका लिंक आपको फ्रीली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सिंपली डाउनलोड कर लेना। बाकी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो उसको लाइक्स भी जरूर कर देना। और काफी बच्चे मतलब वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलो जी आगे बात करते हैं। ए क्रॉस बी माइनस का सी वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आ गया, तो नेगेटिव में हमारी इस तरीके से ही लगेगी। अब यहां पर पॉइंट आते हैं आई जे के की, मतलब की अगर मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हो तो साइन कौन सा लगेगा। तो आई जे के अगर आप एक सर्कुलर फॉर्म में लिख लो, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो इन द फॉर्म ऑफ क्लॉकवाइज मीन आई की जे से करते हो, जे की के से, और के की करते हो आई से, तो तब तो आपका जो प्रोडक्ट वैल्यू आएगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी। मीन्स आई क्रॉस जे किसके को होगा हमेशा के कॉल होगा, और वो भी प्लस का के। और ऐसे ही अगर आप इसको सर्कल की फॉर्म में लिख लो, अगर आप इनको एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करो मीन्स जे की मल्टीप्लाई आप किससे करो आई से करो, और आई की मल्टीप्लाई किससे कर दो के से कर दो, तो वहां पर आपकी वैल्यू आएगी आई क्रॉस के इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का जे के कॉल आएगा। और आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और के क्रॉस के हमारे डॉट प्रोडक्ट में तो क्या होते थे, मतलब डॉट करोगे आई डॉट आई तो वो सब वन के कॉल होंगे, और आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के हमारा क्या होगा जीरो के कॉल होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, और मतलब जीरो और साइन जीरो की वैल्यू हमारी जीरो होती है, इसी वजह से जीरो हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। जो आपका एक प्लेन है उसके क्या है उसके परपेंडिकुलरली अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो किसके खुलाएगा प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। प्लस माइनस मींस अगर प्लेन के ऊपर निकालना है तो प्लस में आ जाएगी वैल्यू, नीचे निकालना है तो नेगेटिव में आ जाएगी। और अगर आपको वहां पर लैम्डा मैग्नीट्यूड का निकालना है, जो कि साइंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपने किए होंगे कि फाइंड अ वैक्टर विद अ मैग्नीट्यूड लैम्डा विच इज नॉर्मल टू द गिवन प्लेन, और प्लेन में आपको ए क्रॉस बी, ए या बी आपको अलग अलग से आपको क्या दिए हुए हैं वैक्टर्स दिए हुए हैं, तो वहां पर आप ए क्रॉस बी उनका क्या निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड से उसको क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, लैम्डा की मल्टीप्लाई कर दोगे, वहां से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, वहां से सिंपल आपकी यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी आती है लैग्रांजियन आइडेंटिटी, जो कि किसके कॉल होती है ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके कॉल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस का ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये आपके इसके कॉल आती है। मीन्स इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो सिंपली सोल्व कर सकते हो, ये आपके सिंपल से पॉइंट आते हैं। आगे बात करते हैं जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, मींस वेक्टर प्रोडक्ट का आप क्या करते हो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी मींस उसको यूज कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और दो उसमें जो एडजेसेंट साइड है वो आपको क्या कर दी है वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वहां पर आपका जो एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का वो ए क्रॉस बी आ जाएगा। मींस आपको क्या कर दो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो ए क्रॉस बी का, वो आपको क्या देगा वो वैल्यू आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल देगी। और अगर आप डायगोनल से निकालना चाहते हो तो ए सी क्रॉस डी बी कर दो, AC क्रॉस BD, लेकिन उसका क्या करना पड़ेगा आपको हाफ करना पड़ेगा अगर आपको जो वेक्टर्स है वो आप एज अ डायगोनल्स यूज कर रहे हो। तो ऐसे ही आपका एरिया ऑफ वेक्टर निकल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके कॉल होगा अगर आपकी दो साइड्स आप ले लो AB एंड AC और उनको क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और उसका हाफ कर दो, तो सिंपल आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आ जाएगा। ये आपके सिंपल से पॉइंट आ जाते हैं रिलेटेड टू चैप्टर वेक्टर्स। तो आई होप आपके चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया।